नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी की एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है हमारे पास Realme 9i 5G एंड Vivo T1 5G। हम करेंगे इन दोनों फ़ोन के बीच एक कैमरा कंपैरिजन और देखेंगे कि इन दोनों फ़ोन में से किस फ़ोन की कैमरा परफॉर्मेंस हमको बेहतर देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों फ़ोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन से। बात करें Realme 9i 5G की तो दोस्तों इसके बैक पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो कि f1.8 अपर्चर के साथ आता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। अब बात करें Vivo T1 5G की तो दोस्तों इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का इसमें भी आपको डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। दोनों फ़ोन के साथ आपको LED फ्लैश का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बस यही थे दोनों फ़ोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन, अब जान लेते हैं दोनों फ़ोन के कैमरा फीचर्स। दोस्तों कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों फ़ोन के रियर पर आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नाइट में पिक्चर्स लेने के लिए आपको दोनों फ़ोन में नाइट मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यदि हम मोर में जाएं तो आपको कई सारे कैमरा मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। कैमरा मोड्स में आपको प्रो, पनोरमा, स्लो मोशन वीडियो एंड टाइम लैप्स वीडियो का भी ऑप्शन दोनों फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है। बात करें अगर दोनों फ़ोन की वीडियो क्वालिटी की, दोस्तों दोनों फ़ोन से आप फुल HD में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बात करें दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरे की तो Vivo T1 5G में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, तो वहीं Realme 9i 5G में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बात करें अगर फ्रंट कैमरा फीचर्स की तो दोस्तों दोनों फ़ोन के फ्रंट पर आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा नाइट में सेल्फी लेने के लिए दोनों फ़ोन के फ्रंट पर भी आपको नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करें अगर दोनों फ़ोन के कुछ कैमरा मोड्स की तो यहाँ पर भी आपको कुछ कैमरा मोड्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरे से भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही थे दोनों फ़ोन के कैमरा फीचर्स। चलिए अब चलते हैं दोनों फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी की ओर और देखते हैं किस फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी हमें बेहतर देखने को मिलती है। दोस्तों दोनों फ़ोन की अगर पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो आउटडोर कंडीशन में Realme 9i 5G में आपको थोड़े शार्प कलर देखने को मिलेंगे, जबकि Vivo T1 5G में आपको बिल्कुल एक्चुअल कलर देखने को मिलते हैं। डिटेलिंग दोनों में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। छोटे ऑब्जेक्ट पर दोनों फ़ोन फोकस करने में थोड़ा टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन अच्छी पिक्चर्स प्रोवाइड करके देते हैं। अब दोस्तों अगर डायरेक्ट सनलाइट की बात की जाए तो डायरेक्ट सनलाइट में आपको 9i 5G में काफ़ी ज़्यादा शार्प कलर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से डिटेलिंग आपको थोड़ी डल देखने को मिल सकती है, जबकि Vivo T1 5G में आपको डायरेक्ट सनलाइट में अच्छी पिक्चर्स देखने को मिलेगी। अब बात करें दोनों फ़ोन की पोर्ट्रेट पिक्चर्स की तो यहाँ पर आपको Realme 9i 5G में अच्छी पिक्चर्स देखने को मिलती है, जबकि T1 5G की स्किन टोन पर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइट टोन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से डिटेलिंग आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी जितनी Realme 9i 5G में देखने को मिलती है। तो दोस्तों पोर्ट्रेट कंडीशन में Realme 9i 5G अच्छा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू T1 5G। अब दोस्तों दोनों ही फ़ोन की सेल्फी की बात की जाए तो Vivo T1 5G की सेल्फी में आपको एक्चुअल कलर एंड एक्चुअल स्किन टोन देखने को मिलती है, जबकि Realme 9i 5G में आपको थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसी किसी सेल्फी पर आपको काफ़ी ज़्यादा येलो टोन भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यदि डायरेक्ट सनलाइट में जब आप सेल्फी लेते हो तो Realme 9i 5G के स्किन टोन पर आपको काफ़ी ज़्यादा येलो टोन देखने को मिलेगी, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो। अब दोस्तों दोनों फ़ोन की पोर्ट्रेट पिक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल सेल्फी जैसा ही सब कुछ देखने को मिलेगा। पोर्ट्रेट बैकग्राउंड आपको दोनों में अच्छा देखने को मिलता है, डिटेलिंग भी अच्छी ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों सेल्फी की बात की जाए तो मुझको Vivo T1 5G की सेल्फी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू Realme 9i 5G। आपको किस फ़ोन की सेल्फी अच्छी देखने को मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों दोनों फ़ोन की लो लाइट कंडीशन की बात करें तो आप दोनों फ़ोन से अच्छी कंडीशन में लो लाइट पिक्चर्स ले सकते हो, फ़र्क सिर्फ आपको कलर का देखने को मिलेगा। Realme 9i 5G की पिक्चर्स में आपको थोड़े शार्प कलर देखने को मिलेंगे, जबकि Vivo T1 5G की पिक्चर्स में आपको बिल्कुल एक्चुअल कलर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप ही कमेंट करके बताएं आपको लो लाइट कंडीशन में किस फ़ोन की पिक्चर ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। अब दोनों ही फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो हमने यहाँ पर दोनों ही फ़ोन से फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड किया है। दोनों ही फ़ोन में अगर कलर की बात करें तो यहाँ पर आप कलर में डिफरेंस देख ही सकते हो किस तरह के दोनों ही फ़ोन की वीडियो में कलर देखने को मिलते हैं। बात की जाए अगर फोकस स्पीड की तो दोनों ही फ़ोन में
छोटे ऑब्जेक्ट पर फोकस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बात की जाए अगर दोस्तों दोनों फ़ोन की स्टेबलाइजेशन की, तो दोस्तों स्टेबलाइजेशन में आपको Vivo T1 5G थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू Realme 9i 5G, लेकिन डिटेलिंग दोनों फ़ोन की वीडियो में आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो हमको यहाँ पर Vivo T1 5G थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू Realme 9i 5G, फिर चाहे वह आउटडोर कंडीशन की पिक्चर्स हो या फिर सेल्फी हो। तो दोस्तों आज के इस कैमरा कंपैरिजन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।